Hello, friends. Welcome to another episode of Good Night Literature. Today, we are going to take up one quotation from Rolf Waldo Emerson's Self Reliance and speak about it, and then we will say good night and go to sleep. A man is to carry himself in the presence of all opposition as if everything were titular and ephemeral, but he. I am ashamed to think how easily we capitulate to badges and names, to large societies and dead institutions every decent and well-spoken individual affects and sways me more than is right. person is speaking how we as people stop thinking as individuals. we start thinking in groups. we let go of our own critical intelligence, our own unique, independent opinions. and we start subscribing to what group groups are thinking or what nations are thinking or what, uh, you know, clusters of people are thinking. Isko कोई नाइकी का नया शू आता है या आईफोन नया आता है तो बहुत सारे लोग एक यू नो ग्रुप की तरह क्लस्टर की तरह न्यू आईफोन खरीदना चले जाते हैं विदाउट इवन थिंकिंग डू दे वॉन्ट एन आई फोन वट एग्जैक्टली विल दे डू विद इट डू दे रियली नीड इट कैन दे मेक यूज ऑफ देर मनी इन अ बेटर वे और डू दे नीड अनदर गैजेट मे बी सो दैट्स वॉट एमरसन इज सेंग आई रिपीट अ मैन इज़ टू कैरी हिमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑपोजिशन एज इफ एवरी थिंग वर टिट्यूलर एंड एफेमेर बट ही एक इंसान को सभी विरोधियों के सामने इस तरह से खड़ा होना चाहिए कि जैसे सारी दुनिया बहुत कमज़ोर है बहुत डेलीकेट है और वो अकेला शक्तिशाली है आई एम अश्रीम टू थिंक हाउ इजिली वी कैपिचुलेट टू बैज इज एन नेम्स एम्बरसन यहाँ कहते हैं कि उनको शर्म आती है कि कितनी आसानी से हम लोग झुक जाते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के आगे और बड़े यू नो सर्टिफिकेशन के आगे कोई ब्रांड लेके आ जाता है कोई बहुत बड़ा गाड़ी लेके आ जाता है कोई महंगे कपड़े लेके आ जाता है तो अचानक से हम अपने आप को छोटा मानने लगते हैं एमरसन बोल रहा है कि हमें छोटा नहीं मानना हमें इस तरह से इस एटीट्यूड से लाइफ में चलना है कि पूरी दुनिया एक तरफ और आप अकेले एक तरफ अगर कोई रीज़नेबल ज़रूरत नहीं है तो अपनी बात को अपने कद को अपने भरोसे को अपनी यू you नो know, स्वाधीनता को छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एंड फाइनली एवरी डिसेंट एंड वेल स्पोकन इंडिविजुअल अफेक्ट्स एंड स्वेज मी मोर देन इज राइट एंड देन एवरसन सेज दैट इफ एनी बडी कैन स्ट्रिंग टू वर्ड्स टूगेदर्स अभी आप इंडिया में देखते हैं कुछ लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि वो ऑटोमेटिकली सही बात बोल रहे हैं अगर इंग्लिश आती है तो जरूर कुछ समझदारी की ही बात बोल रहे होंगे या फिर यू uh, नो you know, किसी फ्लुएंट एक्सेंट uh, में कोई बात कर रहा हो या बहुत कॉन्फिडेंस से कोई बात कर रहा हो तो हमें अचानक से लगने लगता है कि हाँ हाँ आप ही सही हो हम गलत हैं एवरी वेल स्पोकन एंड आर्टिकुलेटेड इंडिविजुअल वेज मी मोर देन इज़ राइट जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ने लग जाता है हम इन्फ्लुएंस होने शुरू हो जाते हैं उन लोगों से जो दो चार बातें फ्लुएंटली बोल पाते हैं सो एमरसन यू नो यू क्लियरली कैन सी ही इज़ अ प्रोफिट ही इज़ अ राइटर ऑफ़ सेल्फ़ रिलायंस ऑफ सेल्फ इंडिपेंडेंस सेल्फ एम्पावरमेंट सेल्फ बिलीफ इंडिपेंडेंस ही बिलीव्स के हर एक इंसान के अंदर एक दिव्य शक्ति है एंड मैं ये बात अपनी से नहीं बना रहा ही इज़ अ ट्रांसीडेंटलिस्ट वो एक रोमेंटिसिस्ट हैं वो जेन्युनली मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक दिव्य शक्ति है जो कि बहुत यूनिक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और इसलिए हर इंसान अगर खुद को समझेगा और अपनी सूझबूझ से अपने इंटेलेक्ट के थ्रू अपने यूनिक आइडियाज़ के थ्रू अपनी लाइफ को जिएगा तो वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा एंड लाइफ भी और दुनिया भी उसके लिए बहुत कृतज्ञता महसूस करेगी थैंक यू फ्रेंड्स गुड नाइट